फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। और माइनक्राफ्ट बट हम वार्डन को मारने जा रहे हैं, जो बहुत मुश्किल होने वाला है। मुझे पता है वार्डन को मारना बहुत ही मुश्किल है गेम में। और या शायद हम मार देंगे, पता तो है मार ही देंगे क्या। तो ये है हमारा सर्वाइवल वर्ल्ड। भाई साहब बहुत ही दिनों बाद में आया हूँ सर्वाइवल वर्ल्ड में, बस तो था भी नहीं। देखो सर्वाइवल वर्ल्ड मेरा खेलता उसमें मैं था, गेम मैंने ख़त्म की थी इस वर्ल्ड में, और ये वर्ल्ड बीस्ट के पास था। सोच सकते हो मेरा वर्ल्ड जो ख़त्म हो चुका है वो मेरे पास ही नहीं है, उल्टा वो मेरे दोस्त के पास है। यहाँ से आप चला सकते हो कि कितना लेजी हैं हम। क्या उसको छोड़ते हैं, ज़्यादा बेइज्जती नहीं करते, खुद को रोस्ट नहीं करते। और यार देख सकते हो चेस्ट पूरी भरी हुई है, बहुत ग्राइंडिंग की है मैंने इसमें। इस ये वर्ल्ड पहला था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा ही ग्राइंडिंग की थी, लिटरली चेस्ट बस भरे हुए हैं कतई। कुछ खाली भी होते हैं बट भरे बहुत हैं, देख सकते हो। तो वार्डन को मारने के लिए हमें चाहिए नेदरराइट आर्मर। प्रॉब्लम ये है मेरे पास जो आर्मर है वो डायमंड का है, बट एक अच्छी बात है मेरे पास 12 आयरन नेदरराइट का इंगेट भी है, पर वो मुझे पता नहीं कहाँ है, वो मुझे देखने पड़ेंगे। बट फिलहाल मैंने अभी सोचा क्यों ना मैं एक, मेरे पास दो स्वॉर्ड्स हैं, अगर हो सके तो मैं इन दोनों स्वॉर्ड्स को कंबाइन करके एक ख़तरनाक वाली स्वॉर्ड बना सकता हूँ, अगर वो हो पाए, अगर वहाँ पे नॉट टू एक्सपेंसिव ना आ जाए। या तो अब जैसे कि हमेशा मेरे पास होता नहीं है आयरन, तो मुझे बनाना पड़ेगा क्या। अब मुझे बनाना पड़ेगा एक न्यू वाला, क्या कहते हैं उसे, पता नहीं क्या कहते हैं, हाँ उसे बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते, नीचे हो सकता है, नीचे मैंने देखा नहीं है, नीचे यस है या बच गए हैं। और हो सकता है ये 13 के ये 10 की है, अब इसको उल्टा करें तो क्या, लेट्स गो, हो गई खतरनाक वाली। और इसका अटैक 13 ही है बट कुछ खतरनाक वाली क्वालिटीज़ आ चुकी हैं इसके अंदर। या अब एक और चीज़ है, दो चीज़ें हमारी कंबाइन हो चुकी हैं बट मेरे पास ऐसी और भी बहुत शॉर्ट्स हैं, अगर मैं सबको कंबाइन करूं जो कभी हो नहीं सकता अकॉर्डिंग टू माइनक्राफ्ट। कुछ शॉर्ट्स मतलब ज़्यादा आप कर देते हो तो फिर वो एक्सपेंसिव हो जाती है, और एक्सपेंसिव होने का मतलब फिर आप उन्हें आगे कंबाइन नहीं कर सकते हो। बट अगर हो पाए, अगर नॉट टू एक्सपेंसिव ना आए, तो खतरनाक वाले डैमेज पड़ सकती है शॉर्ट से। या मेन काम हमारा यही है फिलहाल, ये देख दो 39 कॉस्ट है बट हो जाएगा, उधर हमें 13 ही मिलेंगी। नहीं करते हैं क्योंकि 39 इंचांटमेंट के बदले हमें कुछ नहीं मिलेगा, बस कुछ छोटी मोटी सी इंचांटमेंट मिलेंगी जिससे अटैक पे कुछ डैमेज नहीं, मतलब अटैक डैमेज पे कुछ असर नहीं होगा। तो या इससे यही से यही कि मैं इसको वापस रख देता हूँ। या अभी इधर मैं चीज़ें वगैरह वापस रख देता हूँ जो मेरे को नहीं चाहिए, बाकी बहुत चीज़ दी भी है, वो नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए मुझे। अब मुझे खाना चाहिए, और खाना मुझे पता नहीं कहाँ पे रखा है, मैं लिटरली कहीं भी छोड़ देता हूँ। अब मैंने एक चेस्ट बनाया तो था जिसमें पूरे खाने वगैरह भरे पड़े हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इतने दिनों के बाद मैं आ रहा हूँ गेम में तो मुझे याद नहीं है, मैं हर चेस्ट में से मुझे खाना ढूंढना पड़ेगा। या गेम मुझे मिल चुके हैं, 47 हो चुका है। तो अभी मेरे को चाहिए कॉबवेब, क्योंकि मैंने एक चीज़ सोची है, हम कॉबवेब से उससे बच सकते हैं कॉबवेब से। या आपको पता है जिस चीज़ की वैल्यू नहीं है गेम में, जिसे कोई इज्जत भी नहीं देता, देखता भी नहीं है, और उल्टा गुस्सा आ जाता है लोगों को जब उनके पैर में चिपक जाती है, बट या कॉबवेब हमें कॉबवेब से बहुत सारा खतरनाक वाला काम आएगा।
एक कॉपवे भी बहुत ही है, बहुत अच्छे है। तो यार सबसे पहले मेरे को कॉपवे बनाना पड़ेगा, कॉपवे होगा भी नहीं यहाँ पे, पक्का नहीं है कॉपवे भैया। वी आर रेडी बट अभी मुझे ना यहाँ दिखाया, मुझे यहाँ ना नेदरराइट दिख गया था, ये रहा। अभी मेन क्या चीज़ है, मेरे पास स्मिथिंग टेबल है, सॉरी क्या स्मिथिंग टेबल बोलते हैं। अभी मैं यहाँ से एक एक इंगट करके ये करने वाला हूँ, अभी मेन ये नहीं है, मेन तो आर्मर है। अभी मुझे आर्मर को यहाँ से उतारना है। अभी मेरे पास अच्छी आर्मर भी नहीं है, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ख़तरनाक वाला आर्मर है। मतलब अगर मैं इस पर देखूँ, सोल स्पीड और प्रोटेक्शन, और यहाँ पे थॉर्न्स और फायर प्रोटेक्शन, जो डेफिनेटली मैं लेने वाला हूँ। यहाँ पे ये था। नेक्स्ट चेस्ट की तरफ देखें, यहाँ पे फॉर्स वॉकर है, इसको ये लेगिंग्स अच्छी हैं, इसमें खाली ब्लास्ट प्रोटेक्शन है। अभी इधर देखें तो और थोड़े नाइट विजन के पोर्शन भी मेरे को चाहिए होंगे, ले लेते हैं। हो जा क्या? तो यही हमारे पास इतना ही आर्मर है। अभी यहाँ पे करते हैं शुरू हमारा काम। जान दे भाई, जान दे, जान दे। फुल नेदरराइट आर्मर, फुल नेदरराइट आर्मर इन जस्ट सेकेंड्स ब्रो। अब हम रेडी हैं फाइट के लिए। दरवाजा मत खोलो, घुसाते हैं वो दिमाग खराब बंदे। या आई थिंक वी आर रेडी, सोते हैं। और या अब हम चलते हैं हमारी एंशिएंट सिटी की तरफ, जहाँ पर फिर हम ख़तरनाक वाली तरीके से बंदों को मारने वाले हैं। घर हाँ, तो या मिलता हूँ मैं तुम्हें आगे। फिलहाल इसको पे कर देते हैं यहाँ से, या चलते हैं। एक काम करते हैं, अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, मुझे फायरवर्क्स और वो लाइटर लेना पड़ेगा। लाइटर, लाइटर कहाँ है रे? लाइटर इधर तो रखा था, लाइटर कहाँ है? अभी तो यहाँ रखा, ये रहा। वी आर रेडी, लेट्स गो। एक काम करते हैं, पहाड़ से चलते हैं। कहाँ चलना है? उस साइड चलते हैं। चलो तो लोड ही नहीं हो रहा वर्ल्ड, एक तो कतई।
वाह मैं तैसे देता नहीं आ आ बुला इसे ला। वो सच में आ गया सच में आ गया सच में आ गया सच में आ गया सच में आ गया। आ जा भाई तू आ आ तू आ आ आ तू ये चीज़ नहीं कर सकता ना। आ जा आ जा आ जा यस यस पीछे 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 यस कॉबवेब है तू कुछ कर नहीं सकता मुझे पीछे फेंक नहीं सकता है। कॉबवेब है यस कॉबवेब है कुछ नहीं कर सकता तू जा जा बेटे बेटे तू कुछ नहीं है मेरे सामने भाई। ये ले कॉबवेब है ये ले भाई ये ले कॉबवेब नहीं है ये भी खाना है ये ले फिर कॉबवेब नहीं है तो है ये ले कॉबवेब है और ऊँट नहीं ऊँट पहाड़ के नीचे ऊँट पहाड़ के नीचे आए हैं बेटे बेटे। ओ यस यस मार दिया मार दिया बेटे गाइस हमने मार दिया बट आया वार्डन द वार्डन बड़ा बोल रहे थे वार्डन भाई वार्डन पता है कितना खतरनाक है हार्ड देखे हार्ड दिखा दिया इसको हार्ड है। ओहो बड़े तुम बुला रहे थे बुला 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 हाँ बुला 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 बुला। ओ क्या दो वार्डन नहीं ये चीटिंग है ये एक के बारे में सुना था मैंने ये कौन सी चीटिंग है भाई एक ही होता है वार्डन। इधर आ तू ये चीटिंग होती है एक ही वार्डन होता है एक ये कौन सी चीटिंग हो रही है एक वार्डन होता है भाई मैंने एक सुना था भाई ये दो दो आ गए तेरी भैंस की आंख एक सुना था दो दो आ रहे हैं। हाँ 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 बोल बोल बड़ा बोल रहा था तू हैं ये ले पीछे 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 हो यस यस ये ले तेरी भैंस की आंख में आलू के पकोड़े ये ले ये तेरी मैं बड़ा बोल रहा है बड़ा ही प्रो बन रहा है कतई बंदा ठूसो भाई गोल्डन एप्पल भी ठूसो आ आ जा क्या ले भाई वार्डन बेटे कुछ नहीं है तू कुछ है ही नहीं वार्डन मेरे सामने भाई बट या पर वार्डन एक ही होता है दो ऐसे आ रहे हैं ना रुको तेरी बताऊँ ओ इसकी भैंस की आंख आ जाना क्या हूँ कर रहा है ये ले ये ले भाई तू भाई क्या है तीन बार वार्डन को मार चुका हूँ नहीं दो बार मारा ये तीसरा है वही ना तीसरा है अभी ये तो अब मैं भाग रहा हूँ बेटे अब मैं गंदा वाला भाग रहा हूँ भागो अब भाग रहा हूँ मैं गंदा वाला भाग रहा हूँ अब भागो अब पीछे भी नहीं देखता पता चल गया नल्ला है ये वार्डन ऐसा ही है ये कुछ नहीं है ये वार्डन वूडन ये बस ऐसे ही आ जाते हैं कुछ है ही नहीं वार्डन ऐसी है बकवास है बस अब ये मुझे लूटने से रोकेगा वो तो हो नहीं सकता
मैं लूट के जाऊंगा यहाँ से भाई, तुम्हारा सब लूटूंगा मैं। एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से लूटने की वीडियो बना देता हूँ। चेस्ट नंबर 3, ये चीज़ें भी ले ही लेते हैं ना, ये तो खतरनाक वाली चीज़ें ले ही लेते हैं। अब आए नंबर 5 एंड वी हैव सम प्लेंटी थिंग्स ओवर हियर। इनको एक चीज़ नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं ना, रीजनरेशन के पोर्शन खतरनाक। घर से मैं पूरे मैं 64 बना के आया हूँ। मेरे पास बहुत सारे एप्पल जमा थे, मैंने बना लिए बहुत सारे। हाँ मैं सोचा था TNT लाए, मैं नए TNT बनाए, नए इंचांटेड एप्पल बनाए, बट कुछ काम नहीं आया। ये तो ऐसे ही चिंदी था, ये तो चेस्ट और यहाँ पर भी है हमारी बकवासी चीज़ें। लूटिंग डेथ बेन ऑफ मेंडिंग वन शॉप। ओके अब हम क्या लें, क्या मुझे नहीं हो चुका है काम, अभी मैं यहाँ से आया हूँ यार, फिर अटक गया मैं, पता नहीं क्यों अटक जाता हूँ। अभी यहाँ से मैं मतलब गया था, तोड़ो जल्दी तोड़ो। तो यार अभी मैं एंशिएंट सिटी से निकला हूँ, फिर मैं जल्दी जल्दी से उड़ उड़ के आ गया हूँ। अभी पता नहीं कितना दूर है मेरा घर, मुझे याद है नहीं, पर मुझे पता था यहाँ पे बीच में ऐसे कुछ आता है। यार पटाखे भी बहुत ही कम बचे हैं यार, उड़ते हैं देखते हैं कहीं ना कहीं। लेट्स गो फाइनली होम स्वीट होम। वार्डन को मार के आ चुके हैं, कैसे बोल सकते हो भाई, 3 बार मार दिया वार्डन, कौन बोलता है यार वो मुश्किल है, इतना आसान यार सच्ची। एंडर ड्रैगन भी इससे तगड़ा होता है यार। यार ये चेस्ट सही रहेगा, यहाँ पे हम सारी वार्डन वाली चीज़ें डालेंगे, जो भी हमें वार्डन से मिली हैं वो सारी चीज़ें इसमें जाएगी, कुछ भी मेरे पास नहीं रहेगा इनडायरेक्टली, मतलब मेरा ही है सारा। बट यार बोल सकते हो आप, ये अभी पूरा सामान इसमें रख देता हूँ जितना भी मुझे मिला है। ये यहाँ और इसमें से कोई मेरी चीज़, या अब ठीक है ना। यस तो गाइस मार चुके हैं हम वार्डन को। तो यार इस एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं, पसंद आया लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, और बाय द वे 1K के बाद बहुत करीब है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।